कल्याण में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कल्याण के मलगढ़ परिसर में कल देर रात एक सन के पति का पत्नी पर कहर देखने को मिला। बहस के बाद शुरू हुए विवाद में पति ने पत्नी के शरीर पर तेजधार हथियार से अनगिनत वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या की सूचना पुलिस को लगते ही स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जानकारी के अनुसार मृतका महिला कल्याण मनपा के शिवसेना पार्षद की बेटी बताई जा रही है, जिसका नाम वैशाली पाटिल है। वैशाली की शादी 10 साल पहले राजेंद्र पाटिल नामक व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में रोज लड़ाई होती थी। कल भी यही ऐसे ही हुआ। दोनों में विवाद हुआ और काफी बहस के बाद पति राजेंद्र ने पत्नी वैशाली के शरीर पर धारदार हथियार से अनगिनत वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद राजेंद्र ने पूरी जानकारी पुलिस को देकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने राजेंद्र पर 302 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी। क्या बुरा मामला? हाँ जी, बात सही है। हाजी मलंग किले के पीछे जमीन किले का जो वाड़ी गांव है उसमें पुलिस पाटिल है, गांव का वाड़ी पुलिस। उसने हमें फ़ोन करके बताया कि घर में पति ने पत्नी की हत्या की है, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है, तो आप आ जाइए। तो हम लोग वहाँ गए, उसको पता ऐसा कुछ, हम वहाँ गए, दरवाज़ा खोला, देखा अंदर रूम में, बेडरूम में एक लेडीज़ पड़ी थी नीचे, जिसमें ब्लड इधर उधर जमा हुआ था पूरा। हमको तुरंत पता चला कि देर इज़ समथिंग टू बी डेंजरस थिंग्स गोइंग टू बी हैपन्ड हियर। तो हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन करते हुए FIR में दाखिल होने के बाद हमको जो एविडेंस मिला, इसके हिसाब से हमने पति को अभी ताबे में लिया। इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम उसको अभी कोर्ट में लेके जाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसकी वजह भी क्या है। तो प्राइमरीली हमको ऐसा दिख रहा है कि पति पत्नी का जो झगड़ा था बहुत दिनों से चल रहा था, उसके गुस्से में आके उसने किया है ऐसा लग रहा है। लेकिन और भी कुछ उसके जो व्यूज़ है वो भी हमें इन्वेस्टिगेट करने हैं।